ताई जी इनवाइट कर रही हैं कि मतलब मैं विपना और मैं साथ में है, मतलब यहाँ पे गोली से सख्त नफरत। केक भी बनाया था आज के दिन पर, तो मैंने केक भी काटा, बढ़िया। ताई जी ने भी मतलब बधाई दिया, ताई जी को भी पता है कि अपनी सगाई हो गई भाई। अदरवाइज छोड़ देते मैंने कोल्ड ड्रिंक पीना। भैंस यहाँ पर ज्यादा पाली जाती है गाय के मुकाबले। कल के दिन पर मैं पहुंचा था यहाँ पर जोगीमढ़ी में, और जोगीमढ़ी में आके मैं रुका था भैंसुड़ा गांव में। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम तो क्या है, सुबह के 9 बज रहे हैं। और सुबह के टाइम पर यहाँ की वादियाँ, दरअसल सुबह सुबह ना यहाँ नीचे में बादल लगे हुए थे लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और साथ में ना इस कमरे के अंदर मैं जितनी बार जा रहा हूँ मेरा सर यहाँ टकरा जा रहा है। दरअसल झुकने की आदत तो है लेकिन फिर भी इतना नहीं झुका जा रहा जितना ये है। बाकी आज के दिन पर हम लोग जाने वाले हैं सरायखेत और गुदले की साइड में जाएंगे, शायद अल्मोड़ा, मतलब अल्मोड़ा के डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करेंगे, यानी कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और उस साइड भी थोड़ा सा घुमा फिरा के आएंगे जब यहाँ पर आए हैं। तो फिर यहाँ से बिना दिखाए भाई क्यों जाना है, यहाँ से प्रॉपर आपको दिखाते हुए चलते हैं कि क्या कैसा एरिया है, क्या कर रहे हैं आजकल लोग। जब पिछली बारी आया था ना तो वो वाला घर दरअसल बन ही रहा था और अभी के टाइम पर बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। मुझे लग रहा शायद 4-5 महीने पहले आया होगा तब बन रहा था वो वाला घर। और एक बार ये वाला घर भी दिखाया था जिसमें इस बार हम रुके हैं, तो ये भी बहुत ही प्यारा, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से बना रखा है। और ये रहा बाकी पूरा का पूरा गांव, थोड़ा बहुत ही दिखाई दे रहा है। दरअसल जब उस साइड में जाएंगे ना वहाँ से कुछ पोर्शन दिखाई देगा गांव का, और फिर जब ऊपर में चले जाएंगे तो फिर वहाँ से दूसरा वाला पोर्शन दिखाई देगा। और बाकी यहाँ पे गौशालाएं, गौशालाओं में भैंस बंधी है, भैंस यहाँ पर ज़्यादा पाली जाती है गाय के मुकाबले, क्योंकि दूध भी तो ज़्यादा देती है इस वजह से। और भाई ने बिना नाश्ता किए बर्तन भी धो दिए सुबह सुबह। तो ताई जी ने भी मतलब बधाई दी है, ताई जी को भी पता है कि अपनी सगाई हो गई भाई। हाँ आप भी इनवाइटेड सर 10 अक्टूबर को, ठीक है पहुंच जी, 10 ना 12 अक्टूबर अक्टूबर जल्दी जल्दी भाई। हाँ ठीक है, हाँ हाँ। तो ताई जी इनवाइट कर रही हैं कि मतलब मैं विपना और मैं साथ में है, मतलब यहाँ पे ठीक है बढ़िया। और नाश्ता हो गया, और बस नाश्ते करने को जाना चाहूँ भी। अच्छा अच्छा ठीक है बढ़िया सही है। ताओ जी सनी भाई को समझा रहे हैं कि बोला गोली देना कम करो, बोला गोली से सख्त नफरत है। हाँ गोली से सख्त नफरत है। कौन सी, क्या नाम है उसका? और मिल जाएगा, ब्लैक ही बोलते हैं उसको बस। अच्छा मतलब ब्लैक का, अगर ब्लैक नहीं मिले तो वो एक ब्लैक की बकाड़ी। मजाक, ये गोली बाज आदमी है, कल गोली दे गए मेरे को। मैं दादा अभी आ रहा हूँ, बस हो जाएगा काम। मैंने दादा गिलास धो के बैठे, दादा गिलास धो के ऊपर। तो अभी पहुंच चुके हैं भाई सनी भाई के घर पे, अब थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करेंगे। अरे नमस्ते, हो गया ब्रेकफास्ट? ये तो अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का फुल्का। हाँ सब ठीक, सब बढ़िया। हाँ जी और सब आप ठीक छा? अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा बाकी चलते हैं सनी भाई के साथ में बैठते हैं। ब्रेकफास्ट हो चुका है सुबह का और अभी के टाइम पर हमारे निकलने की तैयारी हो रही है। मौसम खुला है लेकिन यहाँ से ऊपर से बादल भी आ रहे हैं धीरे धीरे ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग जाएं और उसके बाद में बारिश शुरू हो जाए। अभी हम लोग जाने वाले, जैसे कि स्टार्टिंग में बोला था मैंने कि हम लोग जाएंगे आज सरायखेत की तरफ में, तो सरायखेत की तरफ में वहाँ पर जाएंगे, थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं। इतने दिनों से ट्रैवल में ही है, बैंड बज चुकी है, थोड़ा सा आज रेस्ट करते हैं यार जब इतनी दूर आ रखे हैं। बाकी जो भैंसुड़ा गांव है ना, भैंसुड़ा गांव भी ऐसे ही है भाई, पूरा का पूरा खाली हो चुका है ऑलमोस्ट। मतलब काफ़ी सारे घर आपको जितने भी यहां पे दिखाई दे रहे ना, 2-4 घरों में ही रहते हैं, बाकी खाली है। हमारे उस साइड में तो मतलब बैल दिखना ये सब चीज़ें बहुत ही रेयर चीज़ हो गई, लेकिन यहां पर अभी भी देखने को मिल जाएंगे आपको। जहां हमारे निकलने की तैयारी वहां पर चाची भाई सुबह सुबह आज घास लेके भी आ गए ना, और हम लोग अब निकल रहे हैं बताओ घर से। तो वही तो हमारी नींद खुल रही है 10 बजे, और चाची देखो सुबह सुबह घास लेके आ गई, बढ़िया। चलो घूमने को। हाँ
थोड़ा घूम फिर के आएंगे। अच्छा ये तो पहुंचा मेरे को भगा के लाण बल ये एक बस अग भी नहीं लगना मेरा भगान नहीं इसकी बस की भगाना भी नहीं है भाई। अरे वो लाड़ देखो तो शर्म लग जालो ते वही तो बुलून भी नाल। हां ये तो है सोचनी चाहिए। अभी आकर पहुंचे हम लोग जोगी मड़ी में। यहाँ पे दीदी चाची बैठी हैं और साथ में कौन अंकिता नहीं यार इसका नाम क्या था यार ब्राउन मुंडी ठीक है बहुत पुराना नाम था इसका ठीक है बढ़िया। बाकी सब लोगों को पता ही है नेपाल से क्या हो गया क्या नहीं हुआ गया है मिले तक गिनती करके बताए मैं मसर कतर रुपए था 300 रुपए। जब बोला शादी करके आएंगे तब यहाँ पे आना बोला दोनों के दोनों ठीक है बढ़िया अच्छा है सही है मिल के बोलो ना आपको दादी क्या बोलना दादी तू खूब सोरा से दिस्ता लगानी रे वही तो बोलो क्या लगाना मिला सास बोलने नहीं सास बोलो सास ही तो बोलना है ना तीन तरफ से सासू अच्छा बढ़िया 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 तो ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है क्या चलो ये कोल्ड ड्रिंक रखिए आज काफी टाइम बाद कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं भाई अदरवाइज छोड़ देते मैंने कोल्ड ड्रिंक पीना तो अभी के टाइम पर भाई हम लोग निकल चुके हैं सरायखेत की तरफ में। तो सरायखेत और यानी कि सरायखेत दरअसल कुमाऊं का हिस्सा है यानी कि अल्मोड़ा का और जोगीमणि है यहाँ पर पौड़ी का हिस्सा। तो गढ़वाल कुमाऊं को ये वाली रोड जोड़ती है जो लगभग 7 से 8 किलोमीटर है ना तो अभी के टाइम पर कच्ची है मुश्किल से मुश्किल 20-25 मिनट लगते हैं सरायखेत पहुँचने में और वहाँ पर ध्यानी भाई इंतज़ार करा हमारा पूरी फुल ऑफ रोड वाला फीलिंग है वैसे ऑफ रोड तो नहीं अच्छी खासी रोड है भाई। अभी के टाइम पर भाई कच्ची रोड से निकलने के बाद में हम लोग पहुंच चुके हैं सीधा सरायखेत में। तो सरायखेत में पहुंचने के बाद में ना भाई यहां पर देखो क्या फसल लहरा रही है ना मज़ेदार तरीके से और यहां पर ध्यानी भाई इंतज़ार कर रहा होगा हमारा। तो अभी सरायखेत में चलते हैं सबसे पहले और सरायखेत में जाने के बाद में सबसे पहले मिलने के बाद में इस बाइक पे एक नेट था वो खो गया दरअसल वो भी लगवाते हैं तो ये दिखाई दे रहा आपको सरायखेत में। चले थे बीच में मैंने रिकॉर्डिंग भी करी थी अभी शाम का टाइम है थोड़ा बहुत हाथ मुंह धोए लगभग 4 बज रहे हैं 4 बजे के टाइम पर हम लोग पहुंचे हैं गुदले गांव में यानी कि ध्यानी भाई के गांव में। पर अभी के टाइम पर 4 बजे के टाइम पर हम लोग निकल रहे हैं लकड़ी लुकड़ी लाने के लिए मजाक कर रहे हैं दरअसल हम लोग आज नीचे मार्केट की तरफ में जा रहे हैं जहाँ की बहुत पुरानी मार्केट है और एक दुकान है जहाँ पे तो हम सनी भाई को लेके जा रहे हैं स्पेशली ये पैसे की थैली लेके आया ना तो आज बोला पूरा पैसा लुटा देगा देखते हैं। बाकी गुदले गांव को ना बाद में दिखाएंगे जाते वक्त थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया मैंने क्योंकि तो थकावट सी लग रही थी आज बहुत ज़्यादा। तो अभी के टाइम पर हम लोग आए हैं आज गुदले गांव में बिल्कुल नीचे वाली साइड में बाकी भाई दिन के टाइम पर जब हम आ रहे थे ना इधर तो वहाँ पूरा हिमालय दिखाई दे रहा था बट अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई। चलते हैं जल्दी से चलते हैं नीचे चौरीखाल की तरफ में थोड़ा सा वहाँ पर दिखाएंगे और उसके बाद में फिर शाम के टाइम पर जाएंगे हम उधर जोगीमढ़ी की साइड में आज ध्यानी भाई भी चलेगी अपने साथ। तो थोड़ी देर पहले तक हम लोग जा रहे थे गुदलेख से नीचे यानी कि गुदलेख से नीचे चौरीखाल एक बाज़ार पड़ता है उस साइड में जा रहे थे और अभी के टाइम पर हम लोग आ गए हैं यहाँ पर एक मार्केट पड़ती है ना कटपटिया करके पड़ती है जहाँ की मैंने एक बार बहुत पहले आपको दिखाया भी था भाई। लोकेशन बहुत प्यारी है बहुत ही प्यारी मतलब यहाँ के सीनरीज देखो यार कितने प्यारे लैंडस्केप है ना। अभी के टाइम पर हमारी तैयारी हो रही है जोगीमढ़ी वापस जाने की यानी कि एसआर के घर पे और थोड़ा जोगीमढ़ी में बैठेंगे जो भी है थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद में जाने की तैयारी करेंगे। ए, ये देख रहे ये हो रखा है च्यू और यहाँ पर देखो हाँ यहाँ पे पिरुल च्यू हो रखी है यहाँ पर ये मशरूम हो रखी है बहुत सारी ना तो मशरूम भी देखो कितनी सारी हो रखी है भाई।
अगर बारिश होती ना तो बारिश में अच्छा खिल जाना था यार इसने। भाई साहब कितनी सारी हो रखी है इस एरिया में। तो अभी का टाइम पर अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से जोगी मड़ी की तरफ में, तो जाते वक्त तो नहीं दिखाने वाले, नीचे ही बोला बना, लेकिन गुदलेख में हम रुक नहीं पाए, दरअसल हम सीधे ही आगे। बाकी अब चलते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ यार कच्ची रोड है, इस पर पानी बहुत ज़्यादा है, मतलब पानी भरा जगह जगह पे, इसलिए टाइम से निकल रहे हैं। और साथ में अभी तक ध्यानी भाई से नहीं मिला है, तो ध्यानी भाई ये रहे, जय श्री राम। तो इनके घर पे जा रहे थे दिन के टाइम पे, वहाँ पे इनको सज नहीं आई लग रहा है ना। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, अच्छा लगा। हमारी ये थी कि हम जोगमणी में ही रुकेंगे। हाँ ये है, और बाकी अपने साथ में भूत। भाई साहब चलो बढ़िया, चले भाई चलते हैं। तो अभी के टाइम पर भाई एसआर के घर पे आ चुके हैं, और यहाँ पर चल रहा अपना खाना पीना। रात का वैसे 9:30 बजने वाले हैं, और अपना तो खाना पीना कंप्लीट हो चुका है और इन्हीं का चल रहा अभी। तो भाई ने स्पेशली केक भी बनाया था आज के दिन पर, तो मैंने केक भी काटा, बढ़िया अच्छा लगा यार। एक बार जन्मदिन में हलवा कौन खिलाता है और उसको तो केक बता रहा है। तुम बनाया था तुमने, केक मीठा होता है, हलवा मीठा, एक ही बात है वही तो। पार्टी कैसे बोलते हैं केक से, तो अच्छी चीज हो वो तो, हमारे हम दोनों शरीफ हैं, वो सबको भी पता है। पार्टी का मतलब होता है पेट भरना चाहिए बस। सिंपल साधारण तरीके से पेट भर जाना चाहिए, नहीं है? तू भी उसी की साइड ले रहा है, कल तक पीछे घूम रहा। सन्नी भाई, सन्नी भाई लेना पड़े शादी उसका, अभी तक नहीं, तो अभी नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया, बोलना पड़ेगा भाई। फिर उसके बाद मेरी साइड। अरे यार जान दे बंदे को। अच्छा अभी के टाइम पे खाना पीना चल रहा है, आज हलवा बना रखा था, तो मैंने तो अपने हिस्से का पूरा निपटा दिया भाई, लपेट दिया पूरा। तो अभी के टाइम पर आप ऐसा करते हैं दोस्तों, सोने की तैयारी करते हैं, थोड़ा गपशप मारेंगे, काफ़ी टाइम से मिले हैं, और कल परसों अपने को भी निकलना है फिर। तो अभी ऐसा करते हैं कि सोने की तैयारी करते हैं, साथ में इस वीडियो को यहीं पर करते हैं,